नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। लोकायुक्त द्वारा बीते दिनों की गई कार्रवाई के बाद भी जिले के ज्यादातर पुलिस थानों में लेन देन की बातें सामने आ रही हैं, जिससे नाखुश होकर सख्त हुए एसपी रीवा ने पुलिस कर्मी के लोकायुक्त में ट्रैप होने पर थाना प्रभारियों को भी जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है। दरअसल पुलिस कर्मियों के ट्रैप होने के मामलों को देखते हुए एसपी नवनीत भसी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश में कहा है कि कर्मचारी के पकड़े जाने पर सीधे तौर पर थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे, साथ ही इनकी विभाग जांच भी करेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब स्वयं थाना प्रभारी ही रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और आगे पकड़ा जाएगा तो फिर किस पर कार्रवाई होगी? क्या वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जाँच भी होनी चाहिए? हमेशा चर्चा में रहता है कि थानों की बोली लगाई जाती है, जितना बड़ा थाना उतनी बड़ी बोली। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते तो कभी अपनी पहुंच और कभी कीमत बढ़ाकर थाना पाने वाले कैसे अपनी आकाओं को खुश रखेंगे? ऐसे में क्या पुलिस अधीक्षक की इस तरह की सख्ती कारगर हो पाएगी, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चर्चा यह भी है कि जब छोटी छोटी कार्रवाई में पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मार्गदर्शन की बात लिखती है तो फिर ट्रैप होने की कार्रवाई में थाना प्रभारी तक ही बात क्यों सिमट जाती है? जवाबदारी तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी लेना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं एडिशनल एएसपी शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा। डीआईपी कार्रवाई होगी, इस पे क्या मामला? निश्चित रूप से पूर्व से भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश जारी हुए हैं। इसी क्रम में अभी जो घटना घटी थी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में, उसी के क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में सभी थाना प्रभारियों को, सभी थाने के कर्मचारी अधिकारियों को सजग किया गया, सतर्क किया गया है इस आदेश के माध्यम से कि अगर किसी भी थाने का कोई भी कर्मचारी अधिकारी लोकल की टीम के द्वारा अगर ट्रैप होता है तो उसमें थाना प्रभारी की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि थाना प्रभारी ने अपने उन कर्मचारियों के संबंध में जिनकी इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा, क्या उसकी पूर्व में भी कोई ऐसी तरह की शिकायत थी जिस पर थाना प्रभारी ने जानबूझकर उदासीनता बरती, ध्यान नहीं दिया, या उसके द्वारा कोई ऐसा उसको सपोर्ट किया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसके आधार पर उसका परीक्षण करके थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से थाना प्रभारी थाने के समस्त कार्य के संबंध में संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कोई कर्मचारी अधिकारी जो थाने में इस तरह की हरकतें करता है जिससे ये इस तरह के ट्रैप की संभावना बनेगी तो उसको पहले से ही पूर्व से भी पुलिस अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करके उसके स्थानांतरण के संबंध में, उसकी जाँच के संबंध में प्रतिवेदन भेज देना चाहिए, जिससे उस कर्मचारी को पूर्व में ही सतर्क किया जा सके और उसके खिलाफ़ जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा सके। जिस तरह से अगर कर्मचारी कोई छोटी मोटी गलती करता है और इस तरह की बात आ जाती है उसके सामने, अगर उसको थोड़ा सा पहले से ही उसकी जांच करके उसको दंडित कर दिया जाए तो वो इस तरह के ट्रैप केस में नहीं फंसेगा, इसमें ये मंशा है। तो आम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।